अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ कबाब मसाला। इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। इसमें बीफ का मीन्स है 1/2 kg, 1 teaspoon गार्लिक, 1 teaspoon जंजर, बिग बंच जो है ये मैंने इसका लिया है कोरिएंडर का, 3 हरी मिर्चें हैं इसमें, चिली ग्रीन चिली, 2 मीडियम साइज ओनियन है। अभी मसालों में है जी, आप ले लें इसमें 1, ये जो है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, कोरिएंडर पाउडर है इसके अंदर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट है इसके अंदर 1 टेबल स्पून, क्यूमिन सीड्स है इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला है इसमें 1 टीस्पून, और ये बेसन है इसके अंदर 2 टेबल स्पून ग्राम, इसमें 2 टेबल स्पून ग्राम। अब मैं इन चीज़ों को मिक्स करती हूँ, मिक्स डालते हैं सारे मसाले डाले, चिल्ली गई, कोरिएंडर गया, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। अब मैं इसको मिक्स करके आपको बताती हूँ। ये देखें कीमा मेरा तैयार है, मीन्स रेडी है। अब इसको मैं यहाँ से पकड़ के इसकी, ये मैंने अपनी बटर नाइफ ले ली है, बटर नाइफ पे ऐसे पीछे की साइड पे लगा के इसका कबाब तैयार करके मैं यहाँ रखती जाऊँगी, और जब मैं ग्रेवी बनाऊँगी तो इन कबाबों को ग्रेवी में डालूँगी, थोड़ा सा फ्राई करके फिर कबाबों को ग्रेवी में डालूँगी। अभी मैं ये बना के रखती हूँ कबाब, जब तक फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। 2-3 कबाब में आप देख लें, ये इस तरह कबाब रेडी होते जाएंगे। ये हमारे कबाब देखें रेडी हो गए। अब मैं इन कबाबों को यहाँ रखती हूँ और अपना मसाला बनाती हूँ। हमने ऑयल को गर्म कर लिया, इसके अंदर ऑयल लेके, ये 2 स्पून लिए मैंने, 2 स्पून भर के इसके अंदर डाल दिए फुल, इसको कलर देना नहीं है, बस लाइट सी ये सॉफ्ट होगी तो उसमें बाकी चीज़ें हम डालना शुरू कर देंगे। ऑनियन देखें इसकी बस करती है फ्राई ना, तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें आपने जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून दोनों डाल के, 1 टीस्पून डाल के फ्राई करें। और इसके अंदर ये सारे मसाले, कोरिएंडर पाउडर और ये नमक, जीरा, कुटी हुई मिर्चें हैं, क्यूमिन सीड्स, सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी। जब आपको स्मेल आने लगे कि इसकी स्मेल अच्छी आ रही है तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो को, ज़रा सा फ्राई करें ताकि इसकी खुशबू आए। अब इसमें मैं टमाटोज डाल रही हूँ, मुझे इसकी स्मेल जीरे की इसकी सब आने लगी है, तो ना अब इसमें टमाटो मैं इसको स्टीम पर रख लेती हूँ ज़रा से, 5-10 मिनट, फिर उसके बाद ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें अपने ये मैंने कबाब बनाए इसके लेयर लगाती हूँ। ये देखें ये मसाला ना, अब ज़रा सा टमाटर जो है डाउन हो गए ना, नीचे दब गए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटोज और ऑनियन में,
कबाब इसकी लेयर लगा दो। इसको मिक्सअप कर लिया मैंने और इसको हल्की आंच पे 15-20 मिनट के लिए इसको आप छोड़ दें। 15-20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर 15 मिनट्स के बाद क्या होता है। हाँ जी, इसको मैंने ना 10 मिनट्स के लिए तो लो फ्लेम पे पकाया था, अब मैंने हाई कर दिया फ्लेम में, तो अब इसको हाई पे मैंने इसका पानी खुश करना है। 10 मिनट बाद ये ऐसे हो गया, आफ्टर 10 मिनट बाद हाफ डन हो गया ये। अब इसको 10 मिनट्स और इसका 5-10 मिनट में इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो बस फिर ये रेडी है। इसका पानी खुश्क होता है तो मैं आपको बताती हूँ आगे। ये देखें इस तरीके से कबाब रेडी है, मसाला तैयार हो गया और इसका मुझे ज़रा सा पानी खुश्क करना है। ये देखें कम्प्लीट हो गया ग्रेवी इसकी और कबाब भी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपको आगे दिखाती हूँ। गार्निश करने मैंने खुबूस रख दिया इसके साथ, आप तंदूर की रोटी से करें या खुबूस से करें एज यू विश। दिस सैलेड इंजॉय करें इसको। ये कंप्लीट हो गई है हमारे कबाब मसाला। हाँ, मुझे बताइएगा, इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।